हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों पढ़ेंगे हम। तो बेटा, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेटा, द क्रॉस इन विच क्रॉसिंग बिटवीन सिंगल कैरेक्टर ठीक है इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, जब हम उसके अंदर क्या लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर ले ठीक है। तो बेटा जब हम क्या लेते हैं उसके अंदर, सिंगल कैरेक्टर के बीच में जब क्रॉसिंग कराते हैं बेटा, तो उसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बेटा इसमें अंदर एग्जांपल्स, अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं प्लांट हाइट के बीच में, प्लांट हाइट ठीक है, प्लांट हाइट क्या होता है बेटा, एक कैरेक्टर्स होता है ठीक है। और प्लांट हाइट के अंदर क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी जो होता है वो किसको डिनोट करता है बेटा, टॉलनेस को। तो टॉलनेस के बीच में और बेटा हम अगर ड्वार्फनेस के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं तो बेटा देखो इसके अंदर क्या है, सिंगल कैरेक्टर है, क्या है, प्लांट हाइट है। तो बेटा जब सिंगल कैरेक्टर के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग होता है, तो बेटा उसको बोला जाता है क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हम क्रॉस करा के देखते हैं कि किस टाइप से क्रॉस होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट है बेटा। कैपिटल टी लेना है आपको, दूसरा क्या लेना है, स्मॉल टी लेना है, क्लियर है। तो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब बेटा करेक्ट जो हमारे पास जीन है उसके अंदर दो अलील्स होते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर जितने भी गैमेट्स बनेंगे उसके पास अपना एक पर्टिकुलर क्या होगा, अलील होगा ठीक है। क्योंकि तो बाद में वो दूसरे के साथ फ्यूज करेगा तो दो अलील्स आएंगे उसके अंदर, और जब दो अलील्स आएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, कंप्लीट जीन बन जाएगा। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट जो गैमेटोजेनेसिस हुई तो बेटा उसने क्या बनाया, एक गैमेट ये बनाया, दूसरा गैमेट उसने ये बनाया। इसने बेटा फर्स्ट गैमेट ये बनाया स्मॉल टी, बेटा दूसरा क्या बनाया, स्मॉल टी बनाया, क्लियर है। तो बेटा जब इसमें क्या होता है कि ये गैमेटोजेनेसिस हो गई, इसके बाद हम क्या कराते हैं बेटा, गैमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, यानी इसका हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं ठीक है। तो बेटा फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट ठीक है। तो बेटा ये हमने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने मेल ले लिया है, ये क्या है हमारे पास, फीमेल है ठीक है। तो इसमें क्या लिया है कि मेल जो है हमारे पास वो टॉल है, फीमेल क्या है वो हमारे पास ड्वार्फ है ठीक है। बेटा दो गैमेट्स इसने बनाए, दो गैमेट्स इसने बनाए ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेल गैमेट है ये, और ये बेटा क्या है, फीमेल गैमेट है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, क्लियर। तो बेटा जब पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉसिंग होने के बाद जो जनरेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। तो बेटा F1 जनरेशन जो हमारे पास आएगी बेटा, आप कैसे भी कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो क्रॉसिंग, इसको पुनेट स्केयर बोला जाता है, क्लियर ठीक है। तो बेटा आपको ये लेने हैं इधर कैपिटल टी और ये दोनों लेने हैं इस साइड में, क्लियर ठीक है। तो बेटा ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर ठीक है। बेटा ये जो आए हैं इसको आप इस साइड में लेना चाहो तो इस साइड में ले सकते हो, इसको इस साइड में लेना चाहो तो इस साइड, किसी भी साइड में आप ले सकते हो ठीक है, क्लियर। अगर आप वैसे क्रॉसिंग कराते हो तो बेटा इसको क्रॉस कराना पड़ेगा आपको इसके साथ, इसका कराना पड़ेगा इसके साथ, इसका कराना पड़ेगा इसके साथ, और इसका कराना पड़ेगा इसके साथ ठीक है। लेकिन ये थोड़ा इजी होता है, पुनेट स्केयर बोलते हैं इसको। तो बेटा हमारे पास जो F1 जनरेशन आई उसके अंदर हमारे पास आया
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बेटा हमारे पास क्या आए, फोर प्रोजेनी आई हमारे पास। अब बेटा इसके अंदर फोर जो प्रोजेनी आई है, तो बेटा अगर हम इसका फिनोटाइप देखते हैं, क्या देखते हैं इसका फिनोटाइप देखा जाता है, तो बेटा आपको पता है कि जो फिनोटाइप नजर आ रहा है आपको इसके अंदर कैपिटल टी चारों के अंदर है, तो बेटा ये क्या होंगे 100% क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा इसका जीनोटाइप जब अगर हम देखते हैं तो ये टॉल तो है, लेकिन बेटा जीन्स क्या है इसके अंदर, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर आ गई। ठीक है, तो बेटा जब अगर ये वाली कंडीशन होती है तो इसको हम बोलते हैं प्योर। ठीक है, ठीक है, और जब बेटा ये वाली कंडीशन होती है तो इसको बोला जाता है हाइब्रिड। ठीक है, तो बेटा इसमें हम अगर जीन मैपिंग देखते हैं इसकी, तो 1, 2, 3, 4 चारों के अंदर जो है वो सेम टाइप के आ रहे हैं, और सेम टाइप क्या है, हाइब्रिड है। तो बेटा इसके अंदर क्या जाएगा, 100% हाइब्रिड। ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये हमारे पास F1 जनरेशन आई थी, अब बेटा हम क्या कराते हैं, निकालते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन जो बेटा होती है वो आपको पता है इसके बीच में होगी। ठीक है, तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। ठीक है बेटा, आपको गैमिट्स बनाने हैं, तो गैमिट्स क्या आएंगे हमारे पास, ये गैमिट्स आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, ये इसका और ये इसका। ठीक है, अब बेटा इसको इसी मेथड से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, क्रॉसिंग वैसे कराना चाहो तो नॉर्मल भी करा सकते हो। ठीक है, तो यूनिट स्केयर से हम बेटा इसकी क्रॉसिंग करा रहे हैं हम। क्लियर बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी लेना है आपको, दूसरा कैपिटल टी और स्मॉल टी लेना है। क्लियर, ठीक है। अब बेटा ये क्रॉस करेगा इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल टी, ये बेटा फ्यूज करेगा इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, बेटा ये फ्यूज करेगा इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, बेटा ये फ्यूज करेगा इसके साथ स्मॉल टी। क्लियर, ठीक है, आई थिंक नो डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। बेटा नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जो प्रोजेनी आई है, प्रोजेनी बेटा क्या आई हमारे पास, कैपिटल टी आया है फर्स्ट, दूसरा बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, तीसरा क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, और लास्ट में क्या आया, स्मॉल टी। बेटा ये हमारे पास फोर प्रोजेनी आई है। क्लियर, अब बेटा इसके अंदर अगर हम इसका फिनोटाइप देखना चाहें, क्या देखना चाहें, फिनोटाइप, तो बेटा फिनोटाइप के अंदर आपको पता है कि वो करेक्टर जो हम बाहर से देखते हैं, जो हमारी आंखों से विजिबल होते हैं, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो बेटा ये भी क्या आएगा, टॉल आएगा, ये भी क्या आएगा, टॉल, और ये भी क्या आएगा, टॉल, और बेटा ये क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट तीनों के अंदर क्या है, कैपिटल टी है। तो बेटा अगर हम इसका फिनोटाइप देखते हैं तो बेटा 3:1 आएगा, क्यों, क्योंकि 3:1 इसलिए आया, इसके अंदर अगर हम बाहर से देखते हैं तो 3 हमें टॉल नजर आते हैं प्लांट, एक जो है वो थोड़ा ड्वार्फ नजर आता है, बोना टाइप में जो होता है उसको ड्वार्फ बोला जाता है। क्लियर, अब नेक्स्ट इसका अगर जब हम जीनोटाइप देखते हैं, तो बेटा जीनोटाइप जो देखते हैं तो उसमें क्या आता है कि बेटा ये क्या है, इसकी हम क्या करते हैं, चारों की जीन मैपिंग देखते हैं कि जीन जो है वो किस टाइप के हैं इसके अंदर। ठीक है, जीन इसके अंदर जो एलील्स है वो किस टाइप से है। बेटा ये कैपिटल टी, जो कैपिटल टी आया है वो सिंगल है हमारे पास, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं है। बेटा ये दो है हमारे पास हाइब्रिड, ठीक है, दो सेम है ये, ठीक है, और बेटा ये क्या है, अलग है खुद में। बेटा इसका जीनोटाइप क्या आएगा, 1:2:1, ठीक है, ये क्या आएगा, जीनोटाइप आएगा। ठीक है, क्लियर है ना, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, ठीक है, और ये दो है वो एक दूसरे से मिलते हैं। बेटा 1:2:1 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जीनोटाइप आ जाएगा। तो बेटा ये जो होता है ये हमारे पास क्या है, F2 जनरेशन है। क्लियर, ठीक है, तो बेटा ये क्या होती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बेटा हम नेक्स्ट करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। बेटा जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है वो क्या होता है, इफ द क्रॉस बिटवीन टू करैक्टर
ठीक है, जब हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉसिंग कराते हैं, क्रॉस कराते हैं बिटवीन टू करेक्टर, ठीक है। तो बेटा जिस टाइप का जो, जब हम दो करेक्टर्स के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे तो बेटा जो क्रॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। हम क्यों कराते हैं बेटा इसको, बेटा मेंडल ने क्यों कराया था बेटा, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें क्या था कि सिंगल करेक्टर के जो जीन्स थे वो बेटा ट्रांसमिट हो रहे थे, ठीक है। तो इसने क्या किया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब दो जीन्स लिए इसने, ठीक है, और दो जीन्स में बेटा कितने पेयर्स हो गए, दो, भाई दो जीन्स लिए हैं इसे, दो करेक्टर लिए हैं, तो बेटा इसका वन पेयर हो गया अलील्स का और इसका वन पेयर अलील्स हो गया। तो बेटा उसने क्या किया, टू पेयर्स अलील्स को, टू पेयर ऑफ अलील्स तो क्या किया बेटा उसने, ट्रांसमिट कराया, ठीक है। तो अब ये देखता है कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है उसके अंदर अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उसके अंदर बेटा सिंगल अलील जो होता है वन जनरेशन टू अंदर, सॉरी जो सिंगल जीन होता है उसके दो अलील्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन बेटा ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास टू पेयर्स ऑफ अलील्स होते हैं वो इनहेरिट करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। बेटा इसने करा के देखा डाइहाइब्रिड क्रॉस तो क्या पता लगाया कि जैसे कि भाई उसके अंदर जो जीनोटाइप फिनोटाइप आता है उसका क्या इफेक्ट होता है, किस टाइप से आता है, तो वो इसने किया था। बेटा अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा सीड कलर और सीड शेप, अगर हम इन दोनों के बीच में बेटा क्रॉसिंग कराते हैं तो बेटा इस टाइप का जो क्रॉस आएगा, क्रॉस बनता है उसको बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि बेटा एक करेक्टर तो लिया है इसने सीड कलर, ठीक है, और दूसरा सीड कलर की बात करें तो बेटा आपको पता होगा कि सीड कलर के अंदर कितने कलर लिए होते हैं, येलो और ग्रीन, ये डोमिनेंट आएगा, ये रिसेसिव लेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर जो सीड शेप की बात करते बेटा एक होता है राउंड और एक होता है रिंकल्ड, क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये डोमिनेंट होता है इसके अंदर और ये रिसेसिव होता है, ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। अब बेटा हम क्या कराते हैं इसके बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है। बेटा अगर हम क्रॉस कराते हैं येलो राउंड, ठीक है, और उसके साथ हम क्रॉस कराएंगे ग्रीन रिंकल के बीच में, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि येलो जो होता है उसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक जो जीन है उसके दो अलील्स लेने पड़ेंगे हमें, बेटा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। बेटा राउंड को हम कैपिटल आर से लेते हैं तो बेटा कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है, क्लियर। बेटा ग्रीन को हम स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से लेते हैं और रिंकल को बेटा स्मॉल आर से लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में हम बेटा क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं इन दोनों के बीच में। अब बेटा गैमिट किस टाइप से बनते हैं इसके अंदर, तो बेटा एक वाई और एक आर, एक वाई और एक आर, ये हमारे पास एक गैमिट्स बन गया, दूसरा वाई और दूसरा आर कैपिटल, ये दूसरा गैमिट्स बन गया। इसमें बेटा एक वाई और एक आर स्मॉल, दोनों एक वाई स्मॉल और दूसरा आर स्मॉल। अब बेटा ये जो चार बन गए हमारे पास, ये क्या बन गए, गैमिट बन गए, क्लियर, ठीक है। अब बेटा इसके बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, तो बेटा ये क्रॉस कराएंगे इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ कराएंगे तो भी सेम आएगा, ये इसके साथ इसकी इसके साथ कराएंगे तो भी बेटा यही आएगा, इसकी इसके साथ कराएंगे तो बेटा यही आएगा, यही इसके साथ कराएंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि इस टाइप की गैमिट सेम है, इस साइड में गैमिट सेम है और फ्यूजन जो हो रहा है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर टाइप का हो रहा है। बेटा इसके अंदर जो हमारे पास F1 जनरेशन जो आएगी उसके अंदर सारे एक ही टाइप के आएंगे, कैपिटल Y स्मॉल Y, कैपिटल R स्मॉल R, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फर्स्ट जनरेशन जो ली थी बेटा, कैपिटल T और कैपिटल T, स्मॉल T और स्मॉल T के बीच में, बेटा फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पास आई थी कैपिटल T और स्मॉल T आए थे सारे, ठीक है। तो इसमें बेटा इसी टाइप के आएंगे सारे,
एक करा के देख लो जी, इसकी और इसकी कराओगे तो भी बेटा क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे इसी टाइप के हैं। ठीक है, अब बेटा हम क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, इसके बाद आती है मेन की डायहाइब्रिड कॉस में जो रियल जो चीज है वो इसके बाद आएगी। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या आता है कि ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोजेनी आई वो आ गई, कौन सी ये वाली बेटा, ये क्या आई हमारे पास F1 जनरेशन आई। बेटा F2 जनरेशन निकालते हैं तब जाके थोड़ा सा फील होता है इंसान को कि बायो जो है वो क्या है। ठीक है बेटा, इसके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगी, F2 जनरेशन आएगी। तो बेटा क्रॉस कराएंगे हम किसके बीच में, कैपिटल Y स्मॉल Y कैपिटल R स्मॉल R। बेटा सिंगल करेक्टर के बीच में जो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम इजीली बना देते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, गैमेट्स इजीली नहीं बनेंगे, आप एक ट्रिक बताएंगे उससे बन जाएंगे। तो बेटा कितने गैमेट बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट निकालने का एक ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला होता है एन की पावर टू। ठीक है, और जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ हिटेरोजाइगस। ठीक है बेटा, हमारे पास एक ही हिटेरोजाइगस है और ये एक ही हिटेरोजाइगस है, क्लियर। हिटेरोजाइगस क्या होता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये बेटा क्या है होमोजाइगस है, ये क्या हिटेरोजाइगस है, क्लियर। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर क्या है, दो हमारे पास क्या है हिटेरोजाइगस है, तो बेटा आंसर क्या आएगा, फोर गैमेट इसके बनेंगे, इसके अंदर भी बेटा ये हिटेरोजाइगस है, ये की है, तो टू की पावर टू, तो बेटा क्या आया आंसर फोर। बेटा इसके भी कितने गैमेट्स बनेंगे, फोर गैमेट्स बनेंगे। अब बेटा नेक्स्ट आती है इसके अंदर की गैमेट फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे होती है यहाँ पे। तो बेटा गैमेट फॉर्मेशन कैसे करना है आपको, ये उठा लेना है यहां से, क्लियर। ठीक है बेटा, एक आगे लिख दोगे आप कैपिटल वाई जो फर्स्ट में दिया हुआ है, और इसके नीचे लिख दोगे आप स्मॉल वाई। ठीक है, अब बेटा क्या होता है कि आपको आपके पास बच गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है बेटा, एक ऊपर लिख दोगे आप कैपिटल आर और नीचे क्या लिख दोगे स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर है। ऐसे बेटा नीचे वाला जो है उसके सामने भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है तो बेटा ये क्या है, अलील्स हैं, ये भी अलील्स हैं। तो जब अलील्स होंगे तभी तो बेटा क्या करेंगे। अब बेटा क्या होता है ये इसके अंदर कि हम डाईहाइब्रिड कॉस ले रहे हैं, तो करेक्टर के जो है वो भी हमें क्या लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे। ठीक है ना भाई, दो करेक्टर दो सॉरी हम दो ट्रेड्स को हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, इनहेरिट करा रहे हैं। तो बेटा उसके अंदर तो इजीली बन सकता है गैमेट, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ता है। तो बेटा ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर। बेटा ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, बेटा क्या आएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। बेटा ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। बट ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। बट ये हमारे पास क्या आ गए, गैमीट्स आ गए। ठीक है, क्लियर, क्या आ गए, गैमीट्स आ गए। नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बेटा, फोर है, क्लियर। ऐसे बेटा इस साइड के बनाएंगे हम। ठीक है, तो बेटा ये वाई लेना है आपको इस साइड में, नीचे क्या लेना है आपको स्मॉल वाई लेना है। बेटा ये जो R कैपिटल R ये ऊपर की तरफ लेना है, इसके साथ में स्मॉल R लेना है। ऐसे बेटा नीचे वाले के भी कैपिटल R और स्मॉल R ले लेना है। ठीक है, क्लियर। ये इसके साथ बेटा एडजस्ट होके गैमेट्स बनाएगा एक, तो Y कैपिटल और कैपिटल R। अभी इसके साथ एडजस्ट होके क्या बनाएगा बेटा, कैपिटल Y स्मॉल R। बेटा ये इसके साथ होके क्या बनाएगा कैपिटल सॉरी स्मॉल R Y और कैपिटल R, और नीचे वाला बेटा स्मॉल Y स्मॉल R। ठीक है, फर्स्ट तो बेटा आपको ये देखनी है कि जो पेरेंट्स है वो इस टाइप से है, तो बेटा गैमेट सेम बनेंगे। तो बेटा ये और जो ये है दोनों मैच करने चाहिए आपके। ठीक है, फर्स्ट में कैपिटल वाई कैपिटल आर आ रहा है आपका, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्लियर। ठीक है, अब बेटा हम क्या कराते हैं इसके बीच में, ये जब गैमेट्स लेते हैं हम, अब बेटा ये दोनों क्या करेंगे आपस में फ्यूज करेंगे। भाई ये मेल है हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये फीमेल है, तो अब बेटा क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे आपस में।
बेटा अब क्या करेंगे, हम क्रॉसिंग कराएंगे इसके बीच में, क्लियर? ठीक है, बेटा गैमेट्स ले लेंगे हम 1 2 3 4 ऊपर की तरफ, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है बेटा, हमारे पास जो मेल के आए थे वो भी इसी टाइप से आए थे। तो बेटा मेल क्या आया था हमारे पास, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या होता है, हम फ्यूजन कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं इसका। अब बेटा जो फर्टिलाइजेशन जो होगा उसमें क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन के अंदर ये इसके साथ फ्यूज करेगा, क्रॉस करेगा, तो बेटा क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, क्लियर? ये बेटा इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल बेटा ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा ये इसके साथ करेगा फ्यूज तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है बेटा, ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा ये करेगा इसके साथ तो बेटा क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल जो चीजें होंगी बेटा आपको फर्स्ट लेनी है वो पेयर्स के अंदर। ठीक है, ये बेटा अगर इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर बेटा ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। बट ये क्रॉस करेगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्लियर? बट ये करेगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। बट ये करेगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है बेटा, ये करेगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है बेटा, ये करेगा इसके साथ तो क्या आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट बेटा ये करेगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर? बेटा ये करेगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। नेक्स्ट बेटा ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर? इसके बाद बेटा ये जो है ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। बेटा ये याद रखना, इसके अंदर सारे कैपिटल आएंगे, इसके अंदर सारे स्मॉल आएंगे। ठीक है, फर्स्ट के अंदर और लास्ट के अंदर। ठीक है, अब बेटा हमारे पास प्रोजेनी आ गई है। नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बेटा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है, नंबर ऑफ प्रोजेनी इन F2 जनरेशन कितनी आई है बेटा, 16 आई है। टोटल कितनी है, 16 आई है। ठीक है,
क्या आई है 16 नंबर ऑफ प्रोजेनी। अब बेटा क्या होता है कि हम इसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं, जो क्या हो है मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा इधर की साइड में देखना, हम फर्स्ट निकालेंगे फिनोटाइप, यानी हम फिनोटाइप की रेशियो लेंगे, रेशियो के अंदर लेंगे। तो बेटा फिनोटाइप रेशियो जो होता है वो इसके अंदर होता है कि आपको चार चीजें नजर आती है, ठीक है, येलो राउंड, क्लियर, ठीक है, और ग्रीन राउंड, ठीक है। दूसरा जो थर्ड भी बेटा आएगा वो आएगा इसके अंदर येलो रिंकल्ड, ग्रीन रिंग कर, बेटा जब आप देखते हो उसको बाहर से तो आपको क्या चीजें नजर आएंगी, एक तो नजर आएंगे सीड जो होंगे वो येलो और राउंड होंगे, दूसरा सीड जो होंगे ग्रीन राउंड होंगे, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो येलो रिंकल्ड होंगे, फोर्थ क्या है बेटा पॉसिबिलिटी ग्रीन और रिंकल्ड होंगे, ठीक है। बेटा इसके अंदर देखो येलो हमने किससे डिनोट किया था बेटा वाई से, राउंड किससे लिया था बेटा आर से, तो इनके अंदर जितने भी हैं प्रोजेनी उसके अंदर अगर आपको कैपिटल वाई और कैपिटल आर नजर आए तो बेटा समझ लेना कि उसमें क्या है वो येलो और राउंड होगा, क्लियर, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर भी है फर्स्ट Y कैपिटल भी है और R कैपिटल भी है बेटा, दूसरा इसके अंदर भी है कैपिटल Y भी है और कैपिटल R भी है बेटा, इसके अंदर भी है तीसरा, ठीक है, क्या है इसके अंदर कैपिटल Y भी जो है और कैपिटल R भी है बेटा, फोर्थ के अंदर भी कैपिटल Y भी है और कैपिटल R भी है, ठीक है, क्लियर है बेटा। फिफ्थ के अंदर भी कैपिटल Y भी है और कैपिटल R भी है बेटा, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी है कैपिटल Y भी है और कैपिटल R भी है बेटा, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर बेटा कैपिटल वाई है और कैपिटल आर भी है, ठीक है बेटा, इसके अंदर भी बेटा कैपिटल वाई भी है और कैपिटल आर भी है, क्लियर। तो बेटा इसके अंदर है आप कैपिटल वाई और कैपिटल आर भी है बेटा, इसका रेशियो जो आएगा फिनोटाइपिक रेशियो मैं बता देता हूं वो आएगा 9331, ठीक है, ये किस टाइप से आएगा वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा नाइन हमारे पास क्या है येलो और राउंड आए बेटा, नेक्स्ट ग्रीन और राउंड लेना है, ग्रीन का मतलब क्या मिलेगा वहां पे स्मॉल वाई मिलेगा और राउंड का मतलब कैपिटल आर। तो बेटा जिसके अंदर स्मॉल वाई और कैपिटल आर हो बेटा, स्मॉल वाई और कैप जो बेटा हो चुके हैं उनको दोबारा काउंट नहीं करना, ठीक है बेटा। ग्रीन और राउंड है, क्या है ग्रीन और राउंड, तो ग्रीन किससे लिया था हमने स्मॉल वाई से और बेटा राउंड किससे लिया था कैपिटल आर से बेटा, जिसके अंदर स्मॉल वाई और कैपिटल आर हो, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर नहीं है इसके अंदर भी, स्मॉल वाई कैपिटल आर बेटा एक तो इसके अंदर है, ठीक है, दूसरा स्मॉल वाई और कैपिटल आर बेटा इसके अंदर भी है, ठीक है, और बेटा थर्ड स्मॉल वाई और कैपिटल आर बेटा इसके अंदर भी है, ठीक है, क्लियर है, और किसी के अंदर नहीं है। तो बेटा ये क्या आएगा थ्री आएगा, ठीक है, तीन है हमारे पास। नेक्स्ट बेटा येलो और रिंकल्ड, येलो और रिंकल्ड का मतलब क्या है बेटा, येलो का मतलब कैसे लेना है हमें कैपिटल वाई जिसके अंदर हो और दूसरा रिंकल्ड का मतलब स्मॉल आर जिसके अंदर हो। अब बेटा कैपिटल वाई जिसके अंदर है और स्मॉल आर जिसके अंदर है वो कैसा होगा, येलो और रिंकल्ड, येलो और रिंकल्ड होगा। तो बेटा कैपिटल वाई और स्मॉल एक ये आ गया हमारे पास बेटा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर दो ही आ गए बेटा हमारे पास, थर्ड बेटा कैपिटल वाई और स्मॉल आर तीसरा ये आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। इसका आंसर क्या आएगा थ्री, तीन हमारे पास क्या होंगे इसके पास येलो और रिंकल्ड होंगे, ठीक है। लास्ट बेटा फोर ग्रीन और रिंकल्ड, ग्रीन का मतलब बेटा क्या लेना है स्मॉल वाई लेना है आपको, रिंकल्ड का मतलब स्मॉल आर। अब बेटा बच गया ये हमारे पास और ये ही क्या है स्मॉल वाई और कैपिटल, स्मॉल वाई और स्मॉल आर है इसके अंदर। तो बेटा ये क्या होगा ग्रीन और रिंकल्ड का क्या आया हमारे पास वन। अब रेशियो 9331 आया ना बेटा, 9331, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेटा फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप का मतलब जो हमें अपनी आंखों से देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम जीनोटाइप निकालते हैं,
बेटा नीट के पेपर में भी सिनोटाइप नहीं पूछा जाता, सिर्फ फिनोटाइप पूछा जाता है, क्योंकि जीनोटाइप जो होता है उसके अंदर हम काफी लंबा चौड़ा हो जाता है वो। नेक्स्ट बेटा हम निकाल रहे हैं यहां पे जीनोटाइप। बेटा जीनोटाइप के अंदर क्या कर रहे हैं आपको, इसके जीन मैपिंग देखनी है, जीन इसके अंदर किस टाइप से है वो देखना है आपको। तो बेटा फर्स्ट हमने लिया है जीन ये वाला, ठीक है। इसका मैं बता देता हूं कि जीनोटाइप जो आएगा वो आएगा 1:2:2:4:1:2:1, ठीक है। 12:24:12:1 और बीच में क्या लगा देना है, रेशो लगा देना है, ठीक है। ये किस टाइप से आता है वो देखते हैं बेटा। बेटा आपको लेना है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। बेटा ये इसके अंदर सिर्फ एक ही है, इसके अलावा किसी के अंदर भी दूसरा इस टाइप का नहीं है। जीन्स बेटा जीनोटाइप का मतलब आपको जीन देखने हैं उसके, उसके अंदर जो एलील्स है वो देखने हैं आपको, ठीक है। तो बेटा ये जो है इसके अंदर ये सिंगल ही है, इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा नहीं है। तो बेटा इसके नंबर कितने हैं, 1, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट आपको लेना है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। बेटा ये जो है, ठीक है, जो आप काउंट कर चुके हो दोबारा काउंट नहीं करना, ठीक है। तो बेटा ये ले रहे हैं हम आपकी बार ये वाला, ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर एक जो ये वाला है ये मैच हो रहा है सेम ऐसा का ऐसा, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी दूसरा नहीं है जो इसे मैच कर रहा हो। तो बेटा ये कितने आ गए, 2 आ गए। अब बेटा थर्ड लेना है आपको ये वाला, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। बेटा ये जो है इसके अंदर एक तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। बेटा दूसरा देखो इसके अंदर कि ऐसा कोई दूसरा है या नहीं है, ठीक है। बेटा ये देखो ये है इसकी जैसे से, ठीक है, और इसके अलावा इसमें दूसरा नहीं है। तो बेटा इसका आंसर क्या है, 2 आया। नेक्स्ट थर्ड लेना है आपको बेटा ये वाला, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। बेटा एक तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, और दूसरा बेटा इसके अंदर ये हो गया आपका, ठीक है, तीसरा बेटा ये हो गया आपका, हो गया ना, और बेटा फोर्थ ये हो गया आपको। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे दूसरे नहीं है। तो बेटा ये क्या है, 4 है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा आपको जो गोले लगा दिए हैं वो नहीं लेने हैं आपको। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम लेते हैं ये वाला, ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। बेटा एक ये हो गया आपके पास, ठीक है, दूसरा नहीं है इसके अंदर कोई। तो बेटा क्या है ये, 1 है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ गया ये वाला, ये लेना है आपको। तो बेटा इसमें क्या है कि कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो बेटा एक तो ये हो गया आपका, ऐसा कोई दूसरा, हाँ ये हो गया एक दूसरा, क्लियर, और इसके अलावा और इसके अंदर ऐसे कोई दूसरे नहीं है। तो बेटा ये क्या है, 2 आए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपको लेना है ये, तो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो बेटा ये कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, तो 1 आया इसका। नेक्स्ट बेटा लेना है आपको ये, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। बेटा एक तो ये है एक इस टाइप का और एक ये है इस टाइप का। तो बेटा ये क्या है, 2 आए। नेक्स्ट बेटा लेना है ये आपको वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर।
ये क्या है बेटा आपके पास एक है, ठीक है। अब बेटा क्या है कि हमने इसके जीन देखे, जो एक टाइप के जीन थे वो हमने एक साइड में रख लिए, डिफरेंट टाइप के जीन थे उनकी कैटेगरी बना दी हमने, ठीक है। अब इस टाइप का जीन था वो, इस टाइप के जो मतलब जीन मैपिंग देखी तो इस टाइप के जो जिसके अंदर जीन्स प्रेजेंट थे वो एक साइड रख लिए हमने, ठीक है, एलील्स का कंट्रीब्यूशन देख के, ठीक है। तो बेटा वन आया, टू आया, वन आया, टू आया, फिर टू आया, फिर बेटा फोर आया, बेटा फिर वन आया, फिर बेटा टू आया, बेटा फिर वन आया, ठीक है, क्लियर। टू आया, वन आया, ठीक है, क्लियर। बारह चौबीस, बारह एक, ठीक है, ये आया हमारे पास क्या बेटा जीनोटाइप आया। तो बेटा इस टाइप से अगर आप देखते हो तो ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसके अंदर हमने क्या देखा कि दो जो जीन्स हैं या कहें कि दो पेयर्स ऑफ एलील जो है वो ट्रांसमिट करते हैं वन जनरेशन टू अनदर, और क्रॉसिंग के बाद क्या आता है डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोजेनी आती है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।